हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारी संलग्नता पाई जाती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिटेड होती है। देन इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि संलग्नता कितने टाइप्स की होती है। तो ये पढ़ने के पहले कि संलग्नता कितने टाइप्स की होती है, हम एक टर्म को और एनालिसिस करेंगे और उस टर्म का नाम है संलग्नता समूह या लिंकेज ग्रुप। संलग्नता समूह या लिंकेज ग्रुप संलग्नता समूह या लिंकेज ग्रुप में क्या होता है कि एक गुणसूत्र पर जितने भी एक क्रोमोसोम्स पर ऑल ओवर जितने भी जीन्स रहते हैं जो संलग्नता को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं और इस ग्रुप के थ्रू ही वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिटेड होते हैं। तो इसी टर्म के लिए जिसमें एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जो जीन्स हैं वो एक ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं, उस ग्रुप के लिए हम संलग्नता समूह या संलग्नता समूह या लिंकेज ग्रुप कहते हैं। अब हम ये डिटर्मिनाज कैसे करेंगे कि आखिर किस व्यक्ति में या किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी अन्य जो स्पीसीज है उसमें संलग्नता समूह किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो जो ह्यूमन है, इस ह्यूमन में आपको पता है कि ह्यूमन में 23 पेयर्स पाए जाते हैं। तो जो संलग्नता समूह की संख्या है वो किसी भी जीव में पाए जाने वाले टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी हैप्लॉइड संख्या या आगुणित संख्या के बराबर होती है। यहाँ पे 23 पेयर्स ह्यूमन में पाए जाते हैं। यदि हम इसको डिप्लॉइड करें तो 23 × 2 यानी कि 46 क्रोमोसोम्स। और यदि हम बात करें कि इसमें कितने संलग्नता समूह हैं, तो आपको पता है कि जो हैप्लॉइड है 23 है, हैप्लॉइड कहलाएगा ये हमारा, यानी कि आगुणित जो संख्या होती है वो संलग्नता समूह है। यहाँ पे 23 की हमने डबलिंग की तो 46 क्रोमोसोम मिले, लेकिन यदि हम 46 क्रोमोसोम को आधा करेंगे तो हमें फिर से 23 पेयर्स मिल जाएंगे। तो ह्यूमन में जो संलग्नता समूह होता है या जो लिंकेज ग्रुप होता है उसकी संख्या 23 पेयर्स होती है। इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि जो संलग्नता है या जो लिंकेज है वो कितने टाइप की होती है। तो जो हमारी संलग्नता है वो 2 टाइप्स की होती है। संलग्नता टाइप्स ऑफ जो लिंकेज है, टाइप्स ऑफ लिंकेज, ये टाइप्स ऑफ लिंकेज जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी अपूर्ण संलग्नता, अपूर्ण संलग्नता जिसे हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज। और सेकेंड टाइप है हमारा पूर्ण संलग्नता, पूर्ण संलग्नता जिसे हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज या संलग्नता के प्रकार में हमारे लिए यही पढ़ना है कि किस आधार पर हमने संलग्नता को 2 भागों में बांटा, पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता। यदि हम बात करें फर्स्ट टाइप की अपूर्ण संलग्नता या इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो जो अपूर्ण संलग्नता है वो कब पाई जाती है, तो जब एक ही गुणसूत्र पर या एक ही क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जो जीन्स हैं उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो उनके बीच का जो संलग्नता बल होता है या लिंकेज फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा रहेगी तो संलग्नता बल बहुत कम रहेगा और संलग्नता बहुत कम पाई जाएगी और वो अगली पीढ़ी में साथ साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि जो अपूर्ण संलग्नता होती है, उस अपूर्ण संलग्नता में मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं उन जीन्स के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो जब ये दूरी बहुत ज़्यादा रहेगी तो बल बहुत कम लगेगा। आपको पता है कि कोई भी बल है वो दूरी पर डिपेंड करता है कि दूरी कम तो बल ज़्यादा और दूरी ज़्यादा तो बल कम हो जाएगा।
तो यहाँ पे जब ये दूरी ज़्यादा है तो संलग्नता का बल कम हो जाएगा और वो जीन्स जो हैं उन जीन्स में जब गैमेटोजेनेसिस या युग्मक का निर्माण होगा और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उस अर्धसूत्री विभाजन के कारण क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। और क्रॉसिंग ओवर जो है आपको पता है प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्रॉसिंग ओवर हमारे लिंकेज की अपोजिट प्रोसेस होती है। लिंकेज में क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन्स दूसरी पीढ़ी में साथ जाते हैं तो जो क्रॉसिंग ओवर है क्रॉसिंग ओवर में वो जीन्स अलग अलग हो जाते हैं। तो अपूर्ण संलग्नता में संलग्नता कम हो जाएगी तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो बढ़ जाता है और क्रॉसिंग ओवर बढ़ने के कारण जो है ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी मेथी मटर होती है उस मेथी मटर में अपूर्ण संलग्नता पाई जाती है। इसी प्रकार जो मक्का है मक्के के भ्रूणपोष और जो कलर है उस कलर को डिफाइन करने वाले या निश्चित करने वाले जो जीन्स होते हैं उन जीन्स के बीच अपूर्ण संलग्नता होती है इस कारण वो जीन्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। देन जो हमारा है सेकेंड टाइप वो है पूर्ण संलग्नता या कंप्लीट लिंकेज। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम्स दूसरी पीढ़ी में अलग अलग हो रहे थे और साथ नहीं जा रहे थे। और जो हमारी कंप्लीट लिंकेज है उस कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है कि जब क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स हैं उनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो जाती है तो बहुत ही कम दूरी के कारण यानी जीन की निकटता के कारण उन जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता यानी कि उनके बीच का संलग्नता बल दूरी कम होने के कारण ये एक जीन है ये दूसरा जीन है तो इनके बीच की दूरी इतनी ज़्यादा कम होती है कि ये दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जाएंगे। क्योंकि इसलिए साथ जाएंगे गैमेटोजेनेसिस और मियोसिस होगा और गैमेटोजेनेसिस और मियोसिस के समय ये जो हमारे जीन्स हैं उन जीन्स के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर में जो जीन्स हैं ये एक क्रोमोसोम ये दूसरा क्रोमोसोम तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड रहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड की ये वाला जीन जो है वो इस वाले क्रोमोसोम्स पर और इसका जो ये क्रोमोसोम है वो इस वाले क्रोमोसोम पर आ जाएगा और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। लेकिन जो हमारा पूर्ण संलग्नता है इस पूर्ण संलग्नता में क्रॉसिंग ओवर 0% रहेगा इसलिए संलग्नता 101% रहेगी। तो इस कारण गैमेटोजेनेसिस मियोसिस के समय क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा तो ये जो है ये जीन्स हमेशा दूसरी पीढ़ी में साथ ही जाएंगे कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। और इसी टर्म के लिए हमने पूर्ण संलग्नता या इनकम्प्लीट लिंकेज कहा। अब यदि हम बात करें कि इनकम्प्लीट लिंकेज हम कैसे देखें किस जीव में देखें तो जो हमारी इनकम्प्लीट लिंकेज है या जो पूर्ण संलग्नता है ये पूर्ण संलग्नता ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जिस पर मॉर्गन ने अपने संलग्नता संबंधी प्रयोग किए थे इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में ये जो संलग्नता है वो पूर्ण संलग्नता पाई जाती है। क्योंकि जो ड्रोसोफिला है उस ड्रोसोफिला मक्खी में आँख के कलर को निर्धारित करने वाले जो जीन्स होते हैं और पंखे के कलर को निर्धारित करने वाले जो जीन्स होते हैं उन जीन्स के बीच 0% क्रॉसिंग ओवर होता है। और 0% क्रॉसिंग ओवर है तो जो हमारा संलग्नता है वो 100% रहेगी और संलग्नता 100% है तो ये जीन्स दूसरी पीढ़ी में साथ जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर या हमारी फ्रूट फ्लाई मक्खी है। इस मक्खी में ऐसे जीन्स होते हैं जो आँख के कलर को भी निश्चित करते हैं और पंख के रंग को भी निश्चित करते हैं लेकिन ये पंख अवशेषी हैं यानी कि वेस्टिजियल विंग्स हैं या रिसेसिव विंग्स हैं ये भी डिपेंड करता है लेकिन इसमें पूर्ण संलग्नता होती है और 100% लिंकेज होती है। तो पूछा जाता है कि पूर्ण संलग्नता किस जीव में पाई जाती है तो जो हमारी कंप्लीट लिंकेज या जो पूर्ण संलग्नता है वो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई मक्खी में पाई जाती है। इसके बाद हमने देखा कि संलग्नता क्या है कितने टाइप्स की है किस में पाई जा रही है।
इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि जो सहलग्नता सिद्धांत है यानी कि लिंकेज थ्योरी है, हमें उसको पढ़ना है ब्रीफ में। तो आपको पता है कि मॉर्गन ने बहुत, मतलब जो हमारे सटन थे, पहले सबसे पहले सटन आए। सटन ने लिंकेज पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जो हमारे मॉर्गन आए, उन मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई मक्खी पर अपने एक्सपेरिमेंट किए लिंकेज से रिलेटेड, और उन्हें जो निष्कर्ष पाए, उन निष्कर्ष को हमें सहलग्नता सिद्धांत में पढ़ना है। और जो सहलग्नता सिद्धांत या लिंकेज थ्योरी है, उस लिंकेज थ्योरी के लिए मॉर्गन ने 1910 में रिप्रेजेंट किया, मॉर्गन ने 1910 में ये जो हमारी सहलग्नता थ्योरी है या लिंकेज थ्योरी है, लिंकेज थ्योरी को दिया। और इस लिंकेज थ्योरी में उन्होंने बताया कि लिंकेज या जो सहलग्नता है वो उन्हीं क्रोमोसोम्स पर रहेगी जो क्रोमोसोम्स सिस्टर होंगे, नॉन सिस्टर होंगे, और जो हमारे क्रोमोसोम्स पर जीन्स हैं वो सहलग्नता वाले जितने भी जीन्स हैं जो सहलग्नता दर्शाएंगे वो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर होनी चाहिए। सेकंड जो उनका पॉइंट था वो ये था कि जब जो सहलग्नता है वो जब ही पूरी होगी जब क्रॉसिंग ओवर 0% हो। थर्ड उन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम्स पर जीन्स होते हैं उनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए, तभी वो सहलग्नता बल ज़्यादा होगा, और सहलग्नता बल ज़्यादा होने के कारण उनमें 100% लिंकेज होगी। फोर्थ उन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम्स पर जितने भी जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर जो जीन है वो रैखिक क्रम में विन्यस्त होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जो जीन्स हैं वो एक रैखिक यानी कि बहुत ही लीनियर सीक्वेंस में रहेंगे, रैखिक क्रम में विन्यस्त रहेंगे। तो ये हमारे मॉर्गन ने जो सहलग्नता सिद्धांत की थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने बताया कि सहलग्नता के लिए कितनी शर्तें अनिवार्य हैं। सेकेंड क्लास में हम पढ़ेंगे कि सहलग्नता किस प्रकार से ड्रोसोफिला में